Assalamualaikum viewers, welcome to lectures by Awqas Aziz. आज हमने जो टॉपिक सोशियोलॉजी का स्टडी करना है वो है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन. लेकिन सोशलाइजेशन की टाइप्स को स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सोशलाइजेशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स उसको एक्सप्लेन करना और उसके इम्पोर्टेंस प्लस फीचर्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में. जिन्होंने नहीं देखी होगी तो उनके लिए मैं एंड पे लिंक शेयर कर दूंगा, एंड पे आपको आइकन मिल जाएगा. ठीक हो गया, ये टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया है. तो बिल्कुल इजी टर्म्स में मैं आप लोगों को बता देता हूं सोशलाइजेशन का, फिर हम अपने टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के ऊपर. तो इजी टर्म्स में ये है कि जो प्रोसेस इंसान को इस काबिल बनाए कि वो सोसाइटी में अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर सके उसको सोशलाइजेशन कहते हैं. आए अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन और एडल्ट सोशलाइजेशन, ये चीजें आती हैं. ये अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशलाइजेशन के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के लिए भी एक अलग वीडियो बनेगी. तो ये कंप्लीट टॉपिक है जो पूरा सोशलाइजेशन को कवर करता है. डेफिनेशन, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंस, फीचर्स ये कवर कर चुका हूं मैं. टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन ये अभी हो जाएंगी. फॉर्मल इनफॉर्मल सोशलाइजेशन नेक्स्ट वीडियो, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन उसके बाद जो वीडियो होगी. आ जाए जी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन. सबसे पहली आती है प्राइमरी सोशलाइजेशन. जब बच्चा पैदा होता है तो वो घर में होता है, अपने माँ बाप के आसपास होता है. तो प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट वहीं से हो जाती है, बचपन से. देखें, अकर्स इन चाइल्डहुड, बचपन में. इनसाइड होम, घर के अंदर मेन एजेंट सोशलाइजेशन का कौन होता है, जो बताता है कि सोसाइटी में किस तरह जिंदगी गुजारनी है या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसका कल्चर क्या है, उसके नॉर्म्स क्या हैं, वो चीज फैमिली बताती है. ठीक हो गया. आगे देखें प्राइमरी सोशलाइजेशन, फर्स्ट इंटीमेट एसोसिएशन विद फैमिली मेंबर्स दैट फॉर्म द बेसिस फॉर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट. पहला जो सबसे पहला इंटरेक्शन या एसोसिएशन होता है बच्चे का, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होता है और वही फैमिली मेंबर्स बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, पर्सनैलिटी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. अब वो फैमिली मेंबर पेरेंट्स हो सकते हैं, माँ बाप, भाई बहन हो सकते हैं या करीबी रिलेटिव्स हो सकते हैं. ठीक हो गया. अब प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो बच्चा फेस करता है, ये बड़े लिमिटेड होते हैं. एक्सपोजर इनका बड़ा लिमिटेड होता है क्योंकि बच्चा आउटसाइड नहीं जाता, इनसाइड होम ही सब कुछ सीख रहा होता है. ठीक. तो दूसरी बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ किनशिप. बच्चे को ये पता चल रहा होता है कि मेरी वालदा कौन है, मेरा वालिद कौन है, मेरे भाई बहन कौन है, मेरे रिश्तेदार कौन है, इन चीजों को, अंकल आंटी, इन चीजों को वो पहचान रहा होता है जो किनशिप ब्लड रिलेशंस होते हैं उनको. तीसरे नंबर पे आता है हैबिट ट्रेनिंग. बच्चा चीजें ये भी सीख रहा होता है कि ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए और ईटिंग क्या हैबिट्स हों. जैसे एक सलीका होता है खाने का, वो सिखाया जाता है बच्चे को. उसको स्लीपिंग हैबिट्स बताई जाती हैं कि उसका एक प्रॉपर टाइम है, उसने सो जाना है. ठीक. लव, कोऑपरेशन, अथॉरिटी ये प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर आती हैं कि वहां पे उसको लव भी मिल रहा होता है, कोऑपरेशन भी फैमिली वाले उसके साथ कर रहे होते हैं और अथॉरिटी भी होती है कि उसे रोका जा रहा होता है कि ये तुमने नहीं करना. ठीक हो गया. लैंग्वेज बच्चा अपनी फैमिली के अंदर सीखता है कि वो जिस भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज वो फैमिली वाले बोलते हैं, चाहे उर्दू है, पश्तो है, चाइनीज है, जो भी लैंग्वेज है, बच्चा वहां पे लैंग्वेज लर्न करता है. लेकिन लैंग्वेज के साथ साथ डेवलपिंग डायलैक्ट, डायलैक्ट भी वहीं से वो फैमिली से ही डेवलप करता है. आपने देखा होगा मुख्तलिफ जुबानों में मुख्तलिफ डायलैक्ट्स होते हैं. ठीक हो गया. तो हर डायलैक्ट जो है वो बच्चा अपने, जो उनका एक स्पेसिफिक डायलैक्ट है वो अपने फैमिली में सीखता है. ठीक हो गया. आगे आए प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर जो मेन टीचर्स हैं
जो के बच्चे को सिखाते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, ठीक। और यही प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चे को जेंडर रोल्स भी सिखाती है। किस तरह, बच्चा अगर लड़का है तो उसको जीन्स पैंट शर्ट पहनाना, लड़की है तो उसको बड़े कलरफुल से फ्रॉक वगैरह पहनाना। फिर इस तरह जो टॉयज होते हैं, जो हम बच्चों को खिलौने देते हैं, तो लड़के के खिलौने अलग होते हैं, लड़की के खिलौने अलग होते हैं, उसको डॉल वगैरह दे दी जाती है। तो ये एक जेंडर रोल जो आइडेंटिफिकेशन है कि आपका जेंडर जो है उसमें आपने किस तरह बिहेव करना है, वो भी बचपन से आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन में सिखा दिया जाता है। आगे आए नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर, रिलीजियस बिलीफ्स, ये भी प्राइमरी सोशलाइजेशन में सिखाए जाते हैं फैमिली के अंदर। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि यही वैल्यूज, कल्चर, रिलीजियस बिलीफ्स इसको बच्चा लेके आगे थ्रू आउट लाइफ चलता है। तो ये हो गई प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब आते हैं सेकेंड जो इसकी टाइप है सोशलाइजेशन की, वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक हो गया। आफ्टर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद, ठीक, थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ चलती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक हो गया। आउटसाइड द होम, अब जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, तो वहां पे जब वो सीखना शुरू करता है, ठीक। मेन एजेंट्स क्या है सोशलाइजेशन के, यहाँ पे स्कूल हो गया, पीर ग्रुप्स, जो फ्रेंडशिप सर्कल्स होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, वर्क प्लेस, फिर जब आगे जाके वो कहीं पे जाके कहीं पे जॉब करता है, वहां से वो सोशलाइजेशन सीखता है। जॉब से कैसे सीखता है कि जब आप किसी कंपनी में या किसी एक कॉरपोरेशन में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके भी तो सर्टन रूल्स होते हैं कि हमारी कंपनी में अगर आपने काम करना है या यहाँ पे अगर आपने ये जॉब करनी है तो हमारे ये सर्टन रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, ठीक हो गया। मीडिया हो गया, स्टेट हो गया, ये अलग अलग है, मैंने एक साथ लिख दिया है स्पेस की वजह से, अलग अलग है। मीडिया और स्टेट, इनसे सोशलाइजेशन सीखते हैं, ठीक है। अब देखें, लर्निंग एन एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप विच इज स्टिल अ पार्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, फ्रेंडशिप सर्कल एक ग्रुप है, स्कूल आप जाते हैं एक ग्रुप है, यूनिवर्सिटी जाते हैं एक अलग एजुकेशनल ग्रुप है, ठीक हो गया। आप कहीं पे जॉब करते हैं वो एक प्रोफेशनल ग्रुप है, तो वहां पे जाके आप जो सीख रहे हैं वो ग्रुप भी तो किसी एक बड़ी सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक हो गया। लर्निंग एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप, उस एक ग्रुप का बिहेवियर आप सीख रहे हैं विच इज स्टिल अ पार्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी, जो कि फिर भी एक बड़ी सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक। अब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, जैसे प्राइमरी में लिमिटेड थे, सेकेंडरी में ब्रॉड हैं, ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है आपको, ठीक। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में वहां पे आपको स्कूल का होमवर्क है, टीचर्स के साथ रिलेशन है, स्कूल के अपने रूल्स हैं, अपना डिसिप्लिन है, वो चीजें आप सीखते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एडवांस लेवल हो जाता है, कहीं जॉब पे जाते हैं प्रोफेशन में, तो वहां के सर्टन रूल्स आप सीखते हैं, ठीक। Knowing one's potentialities, यहां पे जब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बच्चा आता है तो वक्त के साथ साथ वो ये उसको उसके ये जानने की कोशिश कर लेता है या वो जान जाता है कि उसके अंदर पोटेंशियलिटीज क्या हैं। अब आप में से कुछ लड़कों ने प्री मेडिकल किया होगा, कुछ ने प्री इंजीनियरिंग किया होगा, क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हम मैथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो लड़के मैथ में एक्सपर्ट थे उन्होंने इंजीनियरिंग को ऑप्ट किया, जिनको लगता था कि हमने डॉक्टर बनना है और मेरी जो बायो है वो बेहतरीन है, उन्होंने मेडिकल फील्ड को ऑप्ट किया, ठीक हो गया। तो पोटेंशियलिटीज का पता चलता है, और इसी तरह आगे जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो तब भी आप अपनी पोटेंशियलिटीज को देखते हैं कि क्या मैं ये जॉब कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ठीक। स्किल डेवलपमेंट आती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में, जब बच्चा घर से बाहर आ जाता है तो फिर वो स्किल्स सीखता है मुख्तलिफ। अब स्किल्स एजुकेशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं, स्किल आपकी टेक्निकल एजुकेशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट नजर आती है, ठीक। लर्निंग अदर कल्चर्स या लैंग्वेज, बच्चा जब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ गया तो अब वो दूसरों के कल्चर को भी सीखता है, जाहिर है उसका फैमिली उसके फ्रेंड्स के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो वो उनके कल्चर्स को भी सीखता है, उनकी लैंग्वेज को भी सीखता है। ऑल्दो कि पूरा नहीं सीख पाएगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेता है।
टॉलरेंस आती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर, क्योंकि अब आपके रिलेशनशिप थोड़े बढ़ गए तो आप दूसरों के ओपिनियंस को सुनते हो, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो, आपके अंदर अगर कोई गलती है तो दूसरे अगर आपको रेक्टिफाई करते हैं तो आप उनको भी टॉलरेट करते हो। डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन तो आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन में भी सिखाया जाता है, लेकिन जो फॉर्मल एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन है वो आपको स्कूल से सिखाया जाता है, स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर आप जो है उसमें जाते हैं, क्या नाम है, किसी प्रोफेशन में जाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर डिसिप्लिन है वो आपको सेकेंडरी सोशलाइजेशन में ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आप स्कूल में थे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आपने कंपीट करना है, आपने होमवर्क कंप्लीट करना है, आपने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं। आप कॉलेज में गए, आप यूनिवर्सिटीज में गए, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रही कि आपने अच्छा जीपीए लेना है। फिर जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने जो है अपनी जो आपको असाइंड वर्क है या ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म करना है। आप मैरिज के रिलेशन में बन जाते हैं तब भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरी एक फैमिली है, उसको गवर्न करना है, उसके लिए मैंने फूड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सबका बंदोबस्त करना है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो बहुत वास्ट है, थ्रू आउट द लाइफ चलती है। कोऑपरेशन आता है, आप मुख्तलिफ लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, और यही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से हो रहा होता है। अथॉरिटी आती है, मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ अथॉरिटी, स्कूल के लेवल पे टीचर प्रिंसिपल, कॉलेज के लेवल पे प्रिंसिपल टीचर, यूनिवर्सिटी के लेवल पे प्रोफेसर लेक्चरर, जो डीन होता है या वाइस चांसलर होता है, वो अथॉरिटी आ जाती है जो आपको गाइड करती है कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। इसी तरह जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो बॉस होता है जो आपकी अथॉरिटी होता है। ठीक, फैशन सेंस आता है, यहां प्राइमरी सोशलाइजेशन से आपने ड्रेसिंग सीखी कि मुझे ड्रेसिंग करनी है। जो कंटेम्प्रेरी फैशन चल रहा होता है वो आप सेकेंडरी सोशलाइजेशन से सीखते हैं। अब जो दाढ़ी के जो कट्स बनाए जाते हैं या इसी तरह स्पाइक्स बनाए जाते हैं या जो ड्रेसिंग सेंस है, जो ड्रेसिंग फैशन आता है, ये आप सेकेंडरी सोशलाइजेशन में जब आप जाते हैं वहां पे सीखते हैं। अब आप स्कूल जाते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है उसकी, तो वो आप पहन के जाते हैं, लेकिन आप जब किसी जब ऑफिस में जाते हैं जॉब करने के लिए तो वहां पे उनका फिर एक सर्टन एक यूनिफॉर्म होगी या कोई एक सर्टन उनका क्या होगा, एक ड्रेसिंग स्टाइल होगा जिसको आप फॉलो करेंगे। ठीक हो गया, आगे देखें, डाइवर्स वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। सेकेंडरी सोशलाइजेशन चूंकि थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है तो आपके मुख्तलिफ सोशल रिलेशंस डिवेलप होते रहते हैं, टीचर्स के साथ स्टार्ट में स्कूल में, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में यही टीचर्स फ्रेंड्स हो गए, बॉस हो गया, फिर जब आगे लाइफ में आप जाते हैं, आप बूढ़े हो जाते हैं तो फिर आपको बचपन के दोस्त मिलते हैं, आपको स्कूल के क्लास फेलोज मिलते हैं, आपको स्कूल के टीचर्स मिलते हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटी के टीचर्स मिलते हैं, आपको मुख्तलिफ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आप मुख्तलिफ कंपनीज में जॉब कर रहे थे, वहां पे उनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ, आप कहते हैं कि ये मेरा पुराना बॉस था या मैं उस कंपनी में काम करता था तो ये हमारे साथ कोलीग थे। तो देखिए कितना एक सोशल रिलेशनशिप जो है उसका वेब फैल जाता है। ठीक, आगे आए, वैरायटी ऑफ डिफाइंड रोल्स। जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ मूव कर जाते हैं तो आपके रोल जो पहला डिफाइन हो जाता है वो स्कूल से हो जाता है, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर प्रोफेशन। तो देखें आप कितने वैरायटी ऑफ रोल्स आप परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप खुद किसी एक प्रोफेशन में होंगे, कोई टीचर होंगे या कोई ब्यूरोक्रेट होंगे तो आपका वो एक सर्टन रोल होगा। इसी तरह जब आपकी शादी होगी तो आप हस्बैंड होंगे किसी के या वाइफ होंगे, इसी तरह फिर आपके बच्चे होंगे तो आप पेरेंट्स बन जाएंगे, तो रोल्स डिफाइन होते रहते हैं। फिर आपके बच्चों की शादियां होंगी तो आप दादा दादी बन जाएंगे। तो पूरी जिंदगी में आप वैरायटी ऑफ डिफाइंड रोल्स में गुजार रहे होते हैं। आप समझ आई प्राइमरी और सेकेंडरी की, प्राइमरी घर के अंदर है फैमिली के साथ है, सेकेंडरी घर से बाहर है और बहुत वास्ट है। एजेंट से आप अंदाजा लगा लें इसके, स्कूल, पीर ग्रुप, वर्क प्लेस, मीडिया, स्टेट। ठीक हो गया, तो प्राइमरी और सेकेंडरी हमने कर लिया। अब हम आते हैं डेवलपमेंटल एंटीसिपेटरी इनकी तरफ, साथ रहें, इनको नोट कर लें जी। तो आ जाएं,
थर्ड पे लिखा है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन और फोर्थ पे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखें, अब जितनी भी हम टाइप्स पढ़ेंगे वो सारी चाहे डेवलपमेंटल है, चाहे एंटीसिपेटरी है, चाहे रीसोशलाइजेशन है, चाहे एडल्ट सोशलाइजेशन है, वो सारी फॉल करती हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन की कैटेगरी में। ठीक हो गया, क्योंकि ये सारी आउट ऑफ द होम है, इनमें मुख्तलिफ लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, तो इसलिए ये सारी सेकेंडरी जो सोशलाइजेशन है उसके अंदर फॉल करती हैं। आ जाए जी थर्ड पे, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स डेवलपिंग और पॉलिशिंग वंस ऑन स्किल्स, अपने स्किल्स को डेवलप करना या पॉलिश करना। ठीक, एग्जांपल देखें, एक शाय स्टूडेंट है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक हैं, तो वो क्या करता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट की जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन करता है, ताकि उसकी ये जो झिझक है, हेजिटेशन है, वो खत्म हो जाए और उसे अच्छी तरह इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आ जाए। तो वो शाय स्टूडेंट क्या करता है, वो इन क्लासेस को ज्वाइन करता है। ठीक हो गया, इसी तरह हम सोसाइटी में रहने के लिए मुख्तलिफ टेक्निकल स्किल्स भी सीखते हैं, और वो स्किल्स हेल्प वन टू रिमेन एन एफिशिएंट बीइंग इन सोसाइटी, और इन स्किल्स की वजह से हम अपना सर्वाइवल सोसाइटी के अंदर एज एन एफिशिएंट बीइंग हम सिक्योर कर सकते हैं। अब समझ आई डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन की, कि अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो कुछ स्किल्स हैं उनको डिवेलप करना। आपको कोई हुनर आता होगा, पेंटिंग करना, म्यूजिक करना, तो आप उनकी जो स्पेसिफाइड ग्रुप्स हैं या सोसाइटीज हैं वहां पे जाते हैं और वहां से अपनी स्किल को पॉलिश करते हैं। क्या रीजन क्या होता है उसको पॉलिश करने का, कि सोसाइटी के अंदर मेरा एक एफिशिएंट रोल हो और लोग मुझे पहचाने कि मैं सोसाइटी का एक अच्छा म्यूजिशियन हूं, मैं एक अच्छा पेंटर हूं। ठीक, तो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। फोर्थ पे आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेशन कहते हैं किसी चीज की ख्वाहिश होना, आरजू होना। प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ स्पेसिफिक कल्चर और सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ ग्रुप। लर्निंग किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के कल्चर की या उस एक स्पेसिफिक ग्रुप का सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट उसको सीखना, with aspiration of joining that particular group। क्यों सीखना, क्योंकि मेरी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूं। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं इसकी। जो एक्टर्स होते हैं वो पहले मॉडलिंग करते हैं और अच्छे अच्छे डिजाइनेबल ड्रेसिंग करते हैं, फैशन में रहते हैं, और उनकी जो बात करने का स्टाइल होता है, अब वो मॉडलिंग स्टेज में है, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक्टर बनना है। तो ये चीज, सोल्जर्स हो गए, अब जब सोल्जर्स बनने, अब जो बंदा सोल्जर बनना चाहता है या आर्मी के किसी या पुलिस के किसी एक डिफेंस के इंस्टीट्यूशन में जाना चाहता है, तो अपने आप को फिजिकली फिट करता है, रनिंग करता है, अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि क्राइटेरिया है ना कि वहां पे अगर आपने जाना है, एज अ सोल्जर जाना है या एज अ कोई आर्मी की रैंक में जाना है, तो आप फिजिकली फिट हो। ठीक हो गया, लॉयर्स होते हैं, जब स्टूडेंट होते हैं, लॉ पढ़ रहे होते हैं, तो वहीं से वो सीखना शुरू कर देते हैं कि आर्ग्यूमेंट किस तरह बिल्ड करना है, किस तरह किसी को फंसाना है अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। तो क्या होगा, जब वो ये सीख जाएंगे तो वो लॉयर कहलाने के काबिल हो जाएंगे। एक और चीज, कुछ अरसा पहले, शायद में भी 2-3 साल पहले एक ट्रेंड चला था कि लॉयर्स, उनको अच्छा लॉयर समझा जाता था जिनके बाल सफेद थे। तो यंग यंग जो लड़के थे, जो अभी अभी बिल्कुल प्रैक्टिस में आए थे लॉ की, तो उन्होंने अपने बालों को डाई करना शुरू कर दिया ताकि सफेद आए और ये लगे कि ये बहुत एक्सपीरियंस्ड लॉयर है। तो हम किसी ग्रुप में जाने के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप में जाने के लिए, उसके कल्चर को, उसकी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। आउट ऑफ फैमिली मैरिजेस, ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जब कहीं आउट ऑफ फैमिली कोई शादी होती है, पर्टिकुलरली के वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हों, जो आपका सोलमेट है, तो फिर वो क्या होता है, सोलमेट कोशिश करता है कि इस कल्चर जहाँ पे मेरी शादी हो रही है उसके कल्चर को अंडरस्टैंड करूं, ताकि मैं यहाँ पे जिंदगी गुजार सकूं। ठीक, समझ आई। ब्यूरोक्रेट है,
आप जब जो भी आप में से ख्वाहिश रखता है, मैंने ब्यूरोक्रेट बनना है, सीएसपी बनना है, मैंने एसी बनना है, डिप्टी कमिश्नर बनना है, तो फिर क्या होता है, जब आप तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ आप अपने थोड़ा सा, आपने अगर रिटन क्लियर कर लिया या इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो आप अपने अंदर थोड़ा सा चेंजेस लाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो और थोड़ा स्टाइल के साथ सीना तान के चलते हो कि यार मैं तो ब्यूरोक्रेट बन रहा हूँ, किसी एरे गेरे के मुंह भी नहीं लगते। तो ये चीज होती है ना कि आपको किसी एक ग्रुप में जब जाना होता है तो उस ग्रुप की जो पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं उनको आपने फॉलो करना होता है, उनको सीखना होता है। जर्नलिज्म, जो जर्नलिस्ट बनते हैं लोग, किस तरह आपने लोगों के साथ डिबेट करनी है, किस तरह इंगेज करना है लोगों को, ये चीज जब वो सीख जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है जर्नलिस्ट। ठीक हो गया, आप समझ आई इस बात की? तो हमने डेवलपमेंटल भी कर लिया, एंटीसिपेटरी भी कर लिया, अब हम आते हैं रीसोशलाइजेशन और एडल्ट सोशलाइजेशन की तरफ। इनको नोट कर लें जी। तो आ जाए फिफ्थ नंबर पे, आता है रीसोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न्स एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस। जो पहले बिहेवियर था उसको वैनिश कर देना, खत्म कर देना और नए बिहेवियर को, नए पैटर्न को, नया कोड ऑफ कंडक्ट सीखना। एग्जाम्पल इसकी बेस्ट है रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स या रिहेबिलिटेशन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। एक क्रिमिनल जब जेल जाता है तो किसी क्राइम की वजह से जाता है, उसका बैकग्राउंड होता है कि उसने कोई क्राइम किया है, और कुछ हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं कि जो बार बार क्राइम्स करते रहते हैं, इसी तरह कुछ हैबिचुअल ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो कि ड्रग्स लेना उनका बिल्कुल ऐसे समझे कि उनके लिए एक जिंदगी का वो है कि अगर ड्रग नहीं लेंगे तो उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। अब इस तरह के लोगों को अगर आपने ठीक करना है तो इनको पहले जो इनका पुराना बिहेवियर है, जो क्राइम की टेंडेंसी या जो क्राइम की तरफ इनका एक इंक्लाइनेशन है उनको खत्म करना होगा, फिर नया बिहेवियर सिखाना होगा कि सोसाइटी में कैसे जिंदगी गुजारनी है। तो रिहेबिलिटेशन जो है वो ये काम करती है। ठीक हो गया, क्रिमिनल्स को रिहेबिलिटेट किया जाता है ताकि वो जो क्राइम का उनका एक उसकी तरफ इनका झुकाव है वो खत्म हो जाए और वो सोसाइटी में एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव कर सके। इसी तरह ड्रग एडिक्ट्स को भी रिहेबिलिटेट किया जाता है कि उनकी जो एडिक्शन है ड्रग की वो खत्म हो जाए और वो आ जाए यूजफुल बीइंग्स की तरफ। ठीक हो गया, ये है रीसोशलाइजेशन। अब सिक्स नंबर पे आता है एडल्ट सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंडल्ज्ड इन न्यू रोल्स फॉर विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन मे नॉट हैव प्रिपेयर्ड वन फुल्ली। एडल्ट सोशलाइजेशन कहते हैं कि एक ऐसे रोल के अंदर आप जा रहे हैं जिस रोल के लिए आपको प्राइमरी या सेकेंडरी सोशलाइजेशन ने पहले से तैयार नहीं किया हुआ, लेकिन आप उस रोल में जाते हैं, फिर उस रोल को परफॉर्म करते हुए आप उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं उस रोल को, और उससे सीखते भी जा रहे हैं। तो ये होती है एडल्ट सोशलाइजेशन। एग्जाम्पल देखें, हस्बैंड वाइफ रोल मैंने लिखा है, अब कोई हस्बैंड बन रहा है तो उस रोल में वो आ चुका है, अब प्राइमरी या सेकेंडरी सोशलाइजेशन ने उसको नहीं सिखाया कि हस्बैंड जब बंदा होता है तो उसको क्या क्या ड्यूटीज करनी होती हैं। जब वो इस रोल में आता है तो वो खुद सीखता है, कोई वाइफ बनती है तो वो फिर जाके उस रोल के अंदर जाके फिर वो सीख रही होती है। इसी तरह फादर मदर है, जब आप वालिद बन जाते हैं, आपकी शादी हुई, बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, आप वालिद बन गए, इसी तरह कोई वालदा बन जाएगी, ठीक, तो वो बच्चों बच्चे की जो केयरिंग है, नर्चरिंग है, वो उसी टाइम वो खुद सीख रहे, वो उनकी कर भी रहे होते हैं और सीख भी रहे होते हैं कि किस तरह हमने बेहतर नर्चरिंग करनी होती है। इन रोल्स के लिए पहले से आपको कहीं पे प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज पे आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसी तरह ग्रैंडफादर जब आप बनते हैं, दादा बनते हैं, या ग्रैंड मदर दादी बनते हैं, तो फिर आपका एक रोल नया निकल आता है और उस रोल को फिर आप क्या करते हैं, उसी टाइम परफॉर्म भी कर रहे होते हैं और साइमल्टेनियसली सीख भी रहे होते हैं कि मैं किस तरह एक अच्छा दादा बन सकता हूं, किस तरह एक अच्छी दादी बन सकता हूं। तो इसे कहते हैं एडल्ट सोशलाइजेशन। अब देखें,
एक वीडियो आ गई सोशलाइजेशन की डेफिनेशन, एग्जांपल, इंपॉर्टेंस और फीचर्स के ऊपर, जिसका मैं लिंक अभी एंड पे शेयर कर दूंगा। एक हो गई टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के ऊपर, अगली वीडियो बनेगी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशलाइजेशन के ऊपर, और उसके बाद होगी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के ऊपर, और ये टॉपिक फिर कवर भी हो जाएगा सोशलाइजेशन का हर डायमेंशन से। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अल्लाह हाफिज़।